दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सबको तुलसी ड्रॉप के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप पहले से तुलसी ड्रॉप लेते हैं तो आप सभी को पता होगा कि चाहे जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, तुलसी ड्रॉप के नाम पर कितनी सारे पैसा लेता है। 20 ml ड्रॉप का दाम 200 से लेकर के 450 रुपया तक रखा है और आप सस्ते में और होम्योपैथ में श्री तुलसी ड्रॉप ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए होम्योपैथिक में श्री तुलसी ड्रॉप लेकर के आ जाया हूं, उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, हमारे इंडिया की एक कंपनी है सिमालिया, होम्योपैथी कंपनी है सिमालिया, जो कि श्री तुलसी ड्रॉप लेकर आई है जो कि अन्य कंपनियों से बहुत सस्ता और बहुत ही इफेक्टिव यह कंपनी लेकर के श्री तुलसी आई है, जो कि हमारे शरीर पर बहुत ही यह मेडिसिन इफेक्टिव है। अब मैं आप सबको बताऊंगा कि यह कौन कौन सा श्री तुलसी डाल करके इसको बनाया गया है और यह हमारे शरीर के इम्यूनिटी क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाता है, या जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो उस पे यह कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये श्री तुलसी, मैं पहले ड्रॉप कह रहा था लेकिन ड्रॉप नहीं, यह सिरप है। तो यह जो श्री तुलसी सिरप है, इसमें ओलियम कैनम और ओसिमम सैंक्टम और ओसिमम ग्रेटिसिमम, साथ ही कलर क्रीमल और एक्सिपिएंट और थोड़ा बहुत एल्कोहल डाल करके इसको तैयार किया गया है। तो यह बहुत ही हमारे शरीर पर इफेक्टिव श्री तुलसी सिरप है। अब इसे लेने से हमें फायदा क्या क्या होगा, ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो अन्य कंपनियों का श्री तुलसी लेते हैं, जो काम वो करेगा वही काम ये भी करेगा, लेकिन इस पे जो डायरेक्शन लिखा है मैं वो आपको पढ़कर के बता दे रहा हूं। जैसे कि हाँ, ये जो श्री तुलसी सिरप है ये बिल्कुल ही शुगर फ्री है। जो शुगर के मरीज हैं चाहे तो वो भी इसको ले सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन यह है, बूस्ट द इम्यूनिटी एंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर एक्यूट एंड क्रोनिक कफ, ब्रोंकाइटिस, हूपिंग कफ, रिस्पिरेटरी कैटारा इन्फ्लुएंजा एंड एलर्जिक कफ में। जैसे कि यह कह रहा है, बता रहा है हमें कि यदि हमें अभी अभी कफ हो गया या फिर बहुत जोरों से कुछ समय से कफ है, जो कि खांसते खांसते हम बिल्कुल बेदम सा हो जाते हैं, दम तक नहीं ले पाते हैं, या फिर हमें सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, या फिर हमारे नाकों के माध्यम से पानी की तरह धार की तरह जल गिरता है, वैसे सर्दी में भी यह बूस्टर श्री तुलसी सिरप जो है बहुत ही कारगर है। अब यह लेना कैसे है,
तो इसको एक चम्मच बड़ा चम्मच दिन में तीन बार सुबह दोपहर और शाम को यदि हम कुछ दिनों तक लेते हैं तो यह हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छे और कारगर रूप से काम कर जाता है। तो दोस्तों, अगर आप होम्योपैथ में श्री तुलसी ड्रॉप या सिरप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए हमारी सिमालिया कंपनी लेकर के आ गया है। तो आप किसी भी होम्योपैथ स्टोर पे जा करके इस मेडिसिन को ले सकते हैं और आप प्रयोग करके बिल्कुल ही स्वस्थ हो सकते हैं। साथ ही यह जो हमारा सिरप है, यह हमारे इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, जो कि आगे हम बिल्कुल स्ट्रांग रहते हैं। यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें रोग होने से पहले एक बार सोचेगा कि इसके शरीर पर मैं अपना प्रभाव जमाऊं या न जमाऊं। तो दोस्तों, यह रहा सिमालिया होम्योपैथी कंपनी का श्री तुलसी सिरप। यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। अब मैं यही कहूंगा कि यदि जरूरत हो तो आप इसका सेवन भी जरूर करना, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को चल करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, एक बात बताना भूल गया, यह प्राइस कितना है इसका? तो प्राइस इसका 70 रूपया, 100 ml का दाम 70 रूपया, और अन्य कंपनियों का दाम 20 ml का दाम 200 से लेके 450। समझिए कितने का अंतर है। तो देर मत कीजिए और किसी होम्योपैथ शॉप से अपना यह श्री तुलसी लेकर के आइए और सेवन कीजिए, स्वयं कीजिए और परिवार वालों को भी दीजिए, ताकि जो उनका इम्यूनिटी है अच्छा रहे और उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मजबूत रहे, ताकि अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता अगर शरीर में रहेगा तो रोग नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वस्थ भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Oh.